नमस्कार दोस्तों, बी आर एस शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बड़े साइज का 250 गज के साइज का 250 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ 3 BHK फ्लैट लेके आए हैं द्वारका सेक्टर 3 प्राइम लोकेशन पे। कैसी लोकेशन मिलने वाली है आपके सामने है, ग्रीन लोकेशन है, बढ़िया लोकेशन है, आकाश हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3 से वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी है, गेटेड सोसाइटी है, गार्डेड सोसाइटी है। यहाँ पे आपको जब आप अपने रोड पे निकलेंगे बाहर तो आपको कुत्ते टहलते हुए नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको लिटरली मोर टहलते हुए दिखेंगे, मोरों का पूरा ग्रुप दिखेगा। बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड पूरी की पूरी है ये। जिस जगह पे हम खड़े हैं बालकनी है, बालकनी से ऐसा व्यू है, प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का कोड है, इसे कोड को नोट डाउन करके हमें कॉल या व्हाट्सएप करके इस प्रॉपर्टी का स्टेटस आप पूछ सकते हैं। इसके बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम नहीं बता पाएंगे, समस्या हो जाती है। प्लीज़ नोट डाउन करके कॉल करें। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारा इस पूरी की पूरी लोकेलिटी का वॉक थ्रू। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोकेलिटी हमें कैसी लगती है, कितनी बढ़िया है। आप मेरे उल्टे एंड पे जो ये बाउंड्रीज़ देख रहे हैं, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है आपका द्वारका सेक्टर 3 का। ये पूरी की पूरी क्लोज्ड कम्युनिटी है, सामने भी आपको गेटेड और क्लोज्ड मिलेगा मामला। और यहाँ पे सारे के सारे आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के बड़े साइज़ के ही ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे छोटे साइज़ का कोई ऑप्शन नहीं है, सब ने प्रीमियम लग्जरी बना रखा है। और आपको यहाँ पे जो जेंट्री मिलेगी वो बहुत प्रीमियम एलीट, मतलब फाइनेस्ट जेंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल रीजनेबल वाला चक्कर नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे ही आगे जाएंगे, आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं मिलेगी, आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप पार्क करेंगे आपको डेडिकेटेड सामने इतना चौड़ा रोड तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके ऊपर दो गाड़ी बड़े आराम से लग जाती है। रही बात अंदर की, अंदर का पार्किंग स्पेस भी आपको दिखा देते हैं। इसी पूरे एरिया के अंदर आपको यहाँ से देखते हैं अगर, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड इन्होंने पार्क बना रखा है, जिसके अंदर आपके बच्चे, आपके घर के बड़े जाना चाहें तो आराम से रह सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली बात है वो कितने अच्छे से दे रखी है। ये आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल DDA सोसाइटी की बाउंड्री, तो वो भी आपको सेफ़ एंड साउंड हमेशा लगेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा आएंगे सामने तो आपको देखिए पूरा गार्ड्स मिलेंगे, दो गार्ड डेडिकेटेड यहाँ पे होते हैं। एंड दिस इज़ दी ओनली एंट्रेंस एंड ओनली एग्जिट ऑफ दिस सोसाइटी। सो दोस्तों, ये है अपना फ्लैट। अब चलते हैं, अपना फ्लैट दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये है हमारा डेडिकेटेड पार्किंग एरिया, जहाँ पे आपकी गाड़ी सेफली इस छत के नीचे खड़ी होगी। तो ऊँची गाड़ी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इनोवा तक की हाइट की गाड़ी बड़े आराम से यहाँ पे लग जाती है। और यहाँ से हमारा जो एरिया है, यहाँ से चलते हैं हम हमारे फ्लोर पे। सो नीचे आप पार्किंग देख चुके हैं, पार्किंग से आप आएंगे हमारे अपर ग्राउंड फ्लोर पे, चाहे तो आप स्टेयर्स से आ सकते हैं और एल्स आप ये वाली लिफ्ट यूज़ करके आ सकते हैं। यहाँ से दाखिल होंगे हमारे फ्लोर पे। प्लान कुछ इस तरह से है, सबसे पहले आपको जो एरिया मिलता है मैं आपको सीधा वही दिखाना शुरू करता हूँ। ये हमारा लिविंग एरिया है, जिसको फ़िलहाल ऑफिस के तौर पर तब्दील कर रखा है। अगर आप इसको अपने प्रॉपर लिविंग हॉल की तरह यूज़ करना चाहते हैं, ये सारा सामान हट जाएगा और आपको ये बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर 3 BHK फ्लैट की तरह मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो लेआउट कहता है, राइट हैंड साइड में हमारे एक बेडरूम है, ठीक इधर देखेंगे तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे देखते हैं तो राइट में किचन है, और उल्टे हाथ पे एक बेडरूम है और एक बेडरूम सामने की तरफ है, और पीछे भी वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट मिल जाती है, इस तरफ भी एक डेडिकेटेड शाफ्ट मिल जाती है। अब मैं आपको सबसे पहले हमारे लिविंग रूम से स्टार्ट करता हूँ दिखाना। तो दोस्तों, ये लिविंग रूम काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर है, आपके सामने कोई कहने वाली बात नहीं है। इस जब लिविंग रूम के अंदर आप सोफ़ा लगाना शुरू करेंगे तो शायद आप 10-seater या 11-seater सोफ़ा भी लगा दें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऊपर आपको झूमर एंड ऑल सारा एज इट इज़ लग के मिलेगा। यहाँ पे बढ़िया चीज़ क्या है, बढ़िया चीज़ ये है आपकी कि आप इस वाले स्पेस को अगर अपने डाइनिंग एरिया वाले स्पेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है, और एल्स आप इसको क्लोज रख सकते हैं, दैट इज़ योर कॉल। बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान करके बनाया हुआ है। इसी प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास एक डुप्लेक्स भी अवेलेबल है, जो कि टॉप फ्लोर पे है। टॉप फ्लोर मतलब दो फ्लोर, 250-250 गज के दो फ्लोर प्लस टेरेस, वो होता है हमारा डुप्लेक्स। यहाँ से हमें मिल जाती है रनिंग बालकनी, यहाँ से शुरू होती है, इस तरफ से घूमना शुरू करेंगे, पीछे की ओर जाते रहेंगे और हम अपनी दूसरी बेडरूम के अंदर एंटर कर सकते हैं।
दूसरा नहीं सॉरी पहला बेडरूम, यहाँ से आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसका साइज बहुत डिसेंट बहुत बढ़िया है। फिलहाल यहाँ पे भी आपको एक ये दिख रहा होगा, तो इसे भी इग्नोर कीजिए, यहाँ पे बेड आ जाता है तो बढ़िया स्पेस बन जाता है। इधर हमको वार्डरोब मिलता है, ये रहा वार्डरोब, कपड़े रखिए, काफ़ी गहरा काफ़ी बड़ा है जिसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। वॉशरूम की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, सामने की ओर हमारे को ड्रेसिंग एरिया दे रखा है और राइट हैंड साइड में हमारा वेट एरिया है, मतलब शार एंड ऑल का सिस्टम है। वहाँ पे लाइट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन काफ़ी बड़े साइज में है। यहाँ से थोड़ा सा आगे आएंगे, अगर आपको इस वाले बिल्डिंग के अंदर जो हमारा डुप्लेक्स है उसकी वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई बटन पे मैंने वीडियो डाल दिया वाली, उस पर क्लिक करके आप वाली वीडियो देख सकते हैं। ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है इसके अंदर आप चाहें तो बड़े आराम से 8 सीटर डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, 10 सीटर बनाना चाहें बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आप आएंगे राइट हैंड साइड में तो हमें बहुत बड़े साइज की किचन मिल जाती है। इसके अंदर में आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना आप देख रहे हैं नीचे पूरा का पूरा मॉड्यूलर स्टोरेज है, ऊपर की तरफ पूरा मार्बल लगा हुआ है। सामने जो आपको वेंटिलेशन मिलती है यहाँ से वो मिलती है हमारी शाफ्ट के अंदर, और साइज़ बहुत बड़ा है इसका, USP बोलेंगे तो साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसके अंदर हमें अटैच्ड बालकनी मिलती है हमारी शाफ्ट से, और हमारा ये वाला बेडरूम, वो वाला बेडरूम मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज वो वाला बेडरूम फिलहाल लॉक्ड है। सो ये है हमारा बेडरूम। अब साइज़ की बात आप देख लीजिए, ये तो हो गया 6x6 के बाद में भी आपको उधर भी 6x6 इधर भी 6x6 बहुत सारा एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी अलमीरा लगी हुई है, यहाँ से अगर आप बाहर निकल के जाएंगे तो आप अपनी उसमें पहुँच जाएंगे बालकनी में। यहाँ से आप हल्का सा आगे आएंगे तो ये हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे वेट एरिया इधर बना रखा है नहाने का, और बाकी व्यवस्था बिल्कुल सही से ठीक है। ये है हमारा टोटल 250 HK अंदर बना हुआ 3BHK फ्लैट। जो दूसरा बेडरूम है वो भी इतने ही बड़े साइज़ के अंदर है और उसमें भी लकड़ी का काम हो रखा है, उसमें भी अटैच वॉशरूम है आपका। सो वॉशरूम आपको तीनों ही हमारी जो बेडरूम्स हैं उसके अंदर आपको अटैच मिलता है। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्राइम लोकेशन, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप एक प्रीमियम लोकेशन पे 3BHK फ्लैट देख रहे थे रीजनेबल रेंटल के अंदर, तो सेक्टर 3 के अंदर का ये वाला फ्लैट आपको बहुत पसंद आएगा। इस प्रॉपर्टी का कोड यहाँ मेंशनड है, इसके साथ में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन केस हम कॉल ना उठा पाए आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, वी अश्योर यू आपको हमारी रेंटल टीम से कॉल बैक आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके जो भी सजेशंस हैं कॉमेंट है नीचे हमें भर दीजिए हमारे कॉमेंट बॉक्स को, ताकि हम उन पर काम करके और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाएँ और अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेके आ पाएँ। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।